जनपद के खतौली में विधानसभा उपचुनाव में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व मंत्री ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं खतौली विधानसभा सीट पर त्यागी बाहुल माना जाने वाला नावला गांव में त्यागी समाज ने बीजेपी को अपनी खिलाफत दिखाने के लिए जुट रहे हैं। समाज के नेता मांगीराम त्यागी ने कहा कि ये 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और त्यागी समाज को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खतौली उपचुनाव में बीजेपी को झटका देना जरूरी है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और अपनी ओर से सभी संगठन और पार्टी अपनी जीत और दूसरे की हार का दम भर रही है। खतौली उपचुनाव को लेकर त्यागी समाज की बैठक में मौजूद युवाओं से रॉयल बुलेटिन के पत्रकार इस्तिखार अब्बासी ने बातचीत की है। जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में उपचुनाव का डंका बज चुका है। जहां एक और राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी और सामाजिक संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के नावला गांव में त्यागी समाज की एक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के बहिष्कार की बात की गई है। उसी बैठक में मौजूद कुछ युवा हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम त्यागी। शिवम त्यागी, आज पंचायत की गई है, क्या पंचायत का उद्देश्य था और क्या बीजेपी को चोट दी जाएगी? देखो ये तो सभी ग्राम जो भी ग्रामवासी है, जो भी युवा मोर्चा, जिसकी की सभी की सहमति के अनुसार चला जाएगा, जैसे भी कुछ होगा। बाकी अभी फिलहाल जो भी कुछ है, बीजेपी को नकारा जा रहा है हमारे गांव में, ठीक है। आगे बाकी 5 तारीख को देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल जो है बीजेपी के लिए बहिष्कार है बीजेपी का। यहाँ पे इनका कहना है कि बीजेपी का बहिष्कार है, बाकी 5 तारीख के बाद देखते हैं। और कुछ युवा भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? रविकांत त्यागी। रविकांत, उपचुनाव है खतौली में, किस तरह चुनाव देखते हैं और त्यागी समाज का क्या रुख है? रुख नलका का है। नलका का है? क्या बीजेपी का बहिष्कार करेगा, क्योंकि बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है? बहिष्कार है, बहिष्कार है। क्या कारण है बहिष्कार का? कारण कुछ काम तो है नहीं आज, कुछ समाज कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं है इसमें, क्या फायदा फिर? श्रीकांत त्यागी प्रकरण चला, उस प्रकरण को किस तरह देख? 3 महीने प्रकरण चला, कुछ फायदा करने से? तो सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ सरकार क्या करेगी इतने दिन में? सरकार को काम है वो, 3-3 महीने में काम हो रहा, 3 महीने में कुछ नहीं किया, तो खपा है आप सरकार से? हाँ खपा है। तो चुनाव में किस तरह रहे? पूर्ण रूप से बहिष्कार। बहिष्कार जी। और आपका क्या नाम है? राम त्यागी नाम है। राम त्यागी नाम से युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं सर जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? मुंसिपल शुगर मिल में। अच्छा, इस बार जो उपचुनाव है, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? त्यागी समाज का क्या रुख है और युवा क्या सोच रहा है? इस बार युवा का जो है, त्यागी समाज का जो है, इसमें बीजेपी का बहिष्कार है पूर्ण तरीके से। पूर्ण तरीके से जी। श्रीकांत त्यागी, श्रीकांत त्यागी प्रकरण ले लो या दीपक त्यागी का ले लो, कुछ भी हो, बहिष्कार है इस बार बीजेपी का। आपका क्या नाम है? नितिन त्यागी। नितिन जी, क्या 2022 का जो उपचुनाव है इसमें और इससे अगले जो 2024 का चुनाव है, उसमें किस तरह का रुख रहेगा त्यागी समाज का बीजेपी को? देखो जी, बीजेपी काम अपना सही कर रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रत्याशी है विक्रम सैनी, वो ठीक नहीं है। पिछली बार भी इसका विरोध था, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने ये जीत गया। फिर भी वोट उन्हें ही दी गई, लेकिन ना तो समाज का कोई समाज सा कहो कभी मिला, पहले नहीं मिला, अब भी नहीं मिला। ब्राह्मणों का देख लो, त्यागियों का देख लो, जाटों का देख लो, सबका इसने अपमान करा। कभी भी इसके पास किसी काम को गए, इसने कहा मुझे तो वोट ही नहीं दिया आप लोगों ने। त्यागी समाज को या गांव? त्यागी समाज को भी, जाटों को भी, त्यागियों को भी। नावला गांव में आज तक यो एक बार नहीं आया। अच्छा, अब के उनकी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार है, किस तरह रहे? हम वोट नहीं देंगे जी उसे, पूर्णतः बहिष्कार। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बीजेपी से खिलाफ नहीं है हम, उसके कैंडिडेट से खिलाफ हैं। विक्रम सैनी की पत्नी? विक्रम सैनी हो, पत्नी तो उसी की है ना, पत्नी तो उसी की है ना। विधायकी तो वही करेगा, पत्नी नहीं करेगी विधायकी, विक्रम सैनी जी ही करेंगे। आप एक को देख लो, किसी की पत्नी है, विधायकी तो घरवाला ही कर रहा, प्रधानी तो घरवाला ही कर रहा, औरत तो सिर्फ घर तक रह जा। बीजेपी की कोई खिलाफत नहीं है मेरे लिए है सिर्फ। यहाँ पर युवा मौजूद थे, इनका कहना है कि बीजेपी की कोई खिलाफत नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, विधायक विक्रम सैनी रहे हों या उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी हो, इनका कहना है कि हम उनकी खिलाफत कर रहे हैं और हम बीजेपी का उन्हीं के कैंडिडेट की वजह से
विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा खतौली उपचुनाव में त्यागी समाज किस ओर जाता है और नाव लगाओ किसके पाले में जाता है। 2024 का चुनाव भी अहम है, उसी को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी ने कहा है कि 2024 का चुनाव हो या आने वाला नगर निकाय का चुनाव हो, बीजेपी को वोट की चोट देने का काम करेगा। मुजफ्फरनगर नावला से इस्तखार अब्बासी की रिपोर्ट, रॉयल बुलेटिन। खतौली में हमारा एक रिश्तेदार है, वो सहारनपुर जनपद का शायद नावले वाले जानते हो, संजय त्यागी यहाँ रहा है। वो वहां छत पर गिर गया, जहां रहा था वो लड़का शायद 38 साल की उम्र थी, उम्र गया। जब उसकी डेड बॉडी आई, हम भी आ गए, उसमें पता लग गया भाई कुछ, और ठेकेदार था, हो सका इसकी शायद कोई हादसा ना हो तो पोस्टमार्टम करो। यहां नावले के भी थे प्रधान जी उस समय के, जब वहां गए उसने बदतमीजी करी, 5 त्यागी मेरी साहब थे, इसने बदतमीजी करी, हम शब्दों का इस्तेमाल वो करना चाह, लेकिन अब हम भी भाई ऐसा संगठन जुड़े, हम कहां सुन लेते उसकी, हमने सब पहले रोक दिया। लाल सी कुर्सी पड़ी थी, मेरा आदमी ध्यान है कोठा था उसका कमरा था, मगा मंत्री जी विधायक था जब यो, मगा थोड़ा शांति शांति का दान दे, शांति का इतनी बड़ी होनी है इधर, कैसे बोल रहे हो, मगा जैसा तू बोल रहा है। तो यो वो विधायक है जिस आदमी को, जिसके यहां सम्मान नहीं, जिसके यहां स्वाभिमान नहीं, दूसरे का मान सम्मान नहीं करता हो, ऐसे आदमी को विधायक और वो बनाकर क्या जो होना वो है। और मेरा तो आप सब पुनः यही निवेदन है भाई, हम 5 मुकदमे ले गए, मारा उपवास उड़ाया गया, मेरा आज्ञा जो है ना हर जगह जहां भी अफसरों को जाते बैरियर लड़ा दिए। संजीव बाजान जी के समाज का कोई और ही हो, उसका दुश्मन भी हो, अगर उनकी लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता, उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो जाता और उसके समाज के लड़के के साथ गर्दन उतर जाती, तो कहता मंत्री पद बाद में मैं पहला थारा हूं और माननीय योगी से 1 घंटे में बात करवा देता, मुझे कहने में कोई अक्षोभ नहीं है, दुख हो रहा, अक्षोभ हो रहा। हमारे समाज के अजीत पाल, हमारे नीत त्यागी जी और जो भी दो चार थे, मेरे से बात करने की कोशिश की गई और मैं नाम नहीं ले रहा, नेता से मेरी बात हुई, हमारे समाज के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।